बोर हो रहे हैं गाना गाने सुनाए खाने सुना तो लाइट भी कब की गई है गाने सुना दे गाने सुनाओ भैया कोई एक सेकंड चलो मैं सुना यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं सब एक एक गाने सुनाएंगे भाई हाँ ये सही है मेरे एक दोस्त है इमरान बहुत पुरानी बात है तो थोड़ी इमोशनल हुई है गानी सुन लेंगे ना अभी तो वो एक लड़की को पसंद करता था बेटा हंसने की सीरियस है सीरियस तो वो एक लड़की से मोहब्बत करता था तो अब इन्होंने दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि हम घर वाले खिलाफ थे उनके भी घर वाले खिलाफ थे तो उन्होंने दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि हम घर से भाग जाएंगे अब भाई ये अब वो देखे शफीक मोड लड़की शफीक मोड उस वाले साइड पे थी और लड़का इस वाले साइड पे था तो लड़की ने इशारा करा और रक्षे से उतरी और उसको लड़के को इशारा करा आ जाओ इसी रक्षे में हम कोर्ट चले गए तो लड़का बड़ा खुश उन्होंने बोला चलो यार हम लोग चलते हैं तो लड़का जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था ना बीच रोड में आया इधर से ट्रॉलर आ रहा था ट्रॉलर ने उस लड़के को हिट करा वो पूरा कुचल गया व्हील में उसके गोश के सारे पीसीस पिछले व्हील के अंदर सारे उसका सर हाथ पैर सब ऐसे झूम करके निकाला उसको लड़की वहां से देख रही थी ये सीन पूरा वो लड़की भागती हुई आई पागलों की तरह बिल्कुल उसको तो उसकी आंखों के सामने ऐसा मंजर हुआ था वो तो परेशान हो गई अब वो आई उसने उसके गोश के जो भी टुकड़े थे सब अपनी झोली में जमा करे कहीं से कुछ कहीं से हाथ की उंगली कहीं से पैर की उंगली पूरा कीमा हो गया था उसका वो सब समेट कर पागल हो गई लड़की बिल्कुल पागल जैसी हरकतें करते अब भाई वो जैसे तैसे उसको एम्बुलेंस में डाल के लेकर गए उसके घर वालों के पास उनको बताया घर वाले समझ गए उन्होंने बाहर कुछ नहीं कहा उसे लेकिन वो लड़की का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया क्योंकि ऐसा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ तो भाई वो बड़ा अच्छा सब कुछ नॉर्मल हुआ हो गया ज़िंदगी में फिर लेकिन वो जो कपड़े पहनी हुई थी वो कपड़े चेंज नहीं करती थी लड़की उस पर खून के धब्बे थे उस लड़के के खून के वो बोलती थी मैं ये नहीं चेंज करूँगी तो भाई बड़ा वो हुआ बहुत इलाज कराया उसका क्या पूछेंगे वो यादें थी उसकी कपड़े क्यों नहीं चेंज करते उसकी यादें थी ना उन कपड़ों में वो खून की याद उसकी सही है तो फिर एक बाबा आए उन्होंने आकर बाबा को बताया कि यार ये ऐसे ऐसे मसला हुआ था और ये बच्ची जो है हमारी ना ये कपड़े चेंज नहीं करती है उसी कपड़ों में रहती है तो बाबा ने बोला बाबा ने उसके कान में एक बात बोली बाबा ने उसके कान में बोला और वो मुस्कुराई और जाकर उसने कपड़े चेंज कर दिए बाबा ने क्या बोला उसके बाबा ने बोला उसके कान में कैसे दाग कैसे भी दाग किसी काम ऐसे दाग वैसे दाग जैसे भी दाग सर्फ एक्सेल है अब मैं आपको ये कहानी मेरे दोस्त के भाई की है जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल की उनके वो सब घर वाले परेशान किए इतनी कम उम्र का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है तो मतलब सभी परेशान थे वो लड़का गया बाजार उसने वहां से खरीदी रस्सी उनने रस्सी डाली पंखे में सीढ़ी लगाई वो सीढ़ी पे चढ़ा पंखा उतारा बाजार में बेच के रस्सी क्यों डाली पंखा खींचा उसने चलो भाई अब हंसने का भी पता है।